ये दोस्तों, अगर आप भी फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ट्रेवल करने वाले हो और आपको रूल्स के बारे में नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या सिक्योरिटी चेकअप होने वाला है, तो इस वीडियो में मैंने आपको सिंपल वे में बताया है, काफ़ी आसानी से स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रेवल कर रहे हो तो बिल्कुल ईजी है और आप काफ़ी आसानी से ट्रेवल कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को बस लास्ट तक देखते रहिए। फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है। जैसे मान लीजिए आपका टिकट रहता है और आपका आधार कार्ड, कोई भी आईडी आप साथ में अपने ले सकते हो, और फिर बोर्डिंग पास कैसे बनेगा, और फिर आपके साथ जो लगेज रहता है उसको आप कैसे जमा करवा सकते हो, सारा कुछ इस वीडियो में मैंने आपको लाइव दिखाया हुआ है। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, और यहाँ पे मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको आगे करना क्या है, ठीक है। तो गाइस, एयरपोर्ट पे आने के बाद सबसे पहले आपको काम ये करना है कि आपकी कौन सी फ्लाइट है। तो मेरी फ्लाइट है इंडिगो की, उसका हम गेट देखेंगे कितने नंबर गेट पे उसकी एंट्री हो रही है इंडिगो की। तो यहाँ पे दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे 6 नंबर गेट पे इंडिगो की एंट्री हो रही है। सबसे पहले आपको उसका गेट आके फाइंड करना है कि मतलब कहाँ से इंडिगो की एंट्री हो रही है। जैसे मेरा इंडिगो का फ्लाइट है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 नंबर गेट पे उसकी एंट्री हो रही है। जहाँ से एंट्री करेंगे हम, वहीं पे आपको अपना आईडी और अपना टिकट वहाँ पे शो करना होगा, ठीक है। तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस, मैं जा रहा हूँ अंदर एयरपोर्ट के, और यहाँ पे सबसे पहले हमें अपना टिकट और अपनी आईडी यहाँ पे शो करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं टिकट चेक कराने के लिए, ओके। सो गाइस, आप देख पा रहे हो वहाँ पे एक पुलिस वाले हैं जो कि सबका टिकट और सबकी आईडी चेक कर रहे हैं। तो हमें भी अपनी आईडी और टिकट अपना वहीं पे चेक कराना होगा, उसके बाद हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे टिकट और आईडी चेक कराने के टाइम यहाँ पे पुलिस वाले हैं तो हम वीडियो नहीं शूट कर सकते, ठीक है। तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी है एयरपोर्ट के अंदर, और हमारा जो पहला काम था वो फिनिश हो चुका है, यानी कि जो हमें टिकट दिखाना था, आईडी दिखाना था, वो हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे दूसरा काम हमें अपना बोर्डिंग पास बनवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको काउंटर नजर आएंगे। तो यहाँ पे हमारी जो फ्लाइट है वो डोमेस्टिक है और इंटरनेशनल की अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट है, आप यहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हो, पुलिस वाले भी बहुत रहते हैं और यहाँ पे स्टाफ भी बहुत रहते हैं, ठीक है। तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट का यहाँ पे काउंटर कहाँ पे है, ठीक है, तो वो आपको बताएंगी। या फिर आप इसी काउंटर पे पूछ सकते हो कि जो डोमेस्टिक के फ्लाइट है उसका मतलब जहाँ से आप जाना चाहते हो। जैसे मान लीजिए मैं मुंबई से लखनऊ आया था, तो मैंने पूछा कि मतलब मुंबई से लखनऊ जाने के लिए उसका बोर्डिंग पास कहाँ बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि आप डोमेस्टिक वाले यहाँ पे काउंटर पे जाइए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे गया और बोर्डिंग पास काफ़ी ईजिली बन गया। तो चलिए, हम यहाँ पे अपना बोर्डिंग पास बनाते हैं। यहाँ पे आपको मशीनें भी दी हुई हैं जिससे आप अपने खुद से ही बोर्डिंग पास बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप मशीन से बोर्डिंग पास बनाओगे तो काफ़ी ईजी है, लेकिन अगर आपके पास लगेज है तो आपको काउंटर से ही बोर्डिंग पास बनवाना चाहिए, क्योंकि लगेज जो है आपका वहाँ पर जमा होता है और आपको एक पर्ची मिलती है, ठीक है। अगर आप मशीन के थ्रू अपना बोर्डिंग पास बनाते हो तो वहाँ पे आप अपना लगेज भी अटैच कर सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन आपसे यही रहेगा कि अगर आप काउंटर से बनवाएंगे तो काफ़ी इजी रहेगा, बोर्डिंग पास भी आपका मिल जाएगा। बस आपको वहाँ पे अपना टिकट और अपना आईडी शो करना होगा, बोर्डिंग पास वो दे देंगे और आपका जो लगेज रहेगा वो एंटर कर लेंगे अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, आपको मशीन के पास आना है। अगर आप मशीन से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे फ्लाइट जो भी आपकी उस पर आप टाइप करोगे और यहाँ पे अपना पीएनआर नंबर डालोगे और आसानी से आप अपना बोर्डिंग पास यहाँ से ले सकते हो। लेकिन हम चलते हैं काउंटर पे और बोर्डिंग पास अपना वहीं पे निकलवाते हैं, ठीक है। सो गाइस, अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इंडिगो के काउंटर पे, और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको अपना आईडी और अपना टिकट दे देना है, ठीक है। वो आपको बोर्डिंग पास दे देंगे और आपका जो लगेज रहेगा वो आपको बोलेंगे वेट मशीन पे रखने के लिए, ठीक है। ये वेट करते हैं कि आपका लगेज कितना है। तो गाइस, जो मेरा टिकट था उस पर 15 किलो लगेज था, और प्लस मैं साथ में अपने कैरी करने के लिए 7 किलो ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपने लगेज का वेट किया और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 किलो उसका वेट है, ठीक है। यहाँ पे आपका लगेज जो रहेगा वो वेट करेंगे और आपको वो बोर्डिंग पास दे देंगे। सो गाइस, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमें हमारा बोर्डिंग पास मिल गया है। इसमें सारा कुछ मेंशन रहेगा, आपका यहाँ पे फ्लाइट नंबर और आपका सीट नंबर और यहाँ पे बोर्डिंग जोन कितना है, सारा कुछ मतलब यहाँ पे आपको मेंशन मिल जाएगा, ठीक है। और आपका जो सामान सबमिट हुआ उस पर एक स्टिकर लगा रहेगा, और आपके बोर्डिंग पास पे भी बैक साइड में जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे उस पर भी एक स्टिकर लगा रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपने सामान को आप जहाँ पे डीबोर्डिंग करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मेरा मुंबई टू लखनऊ है, तो लखनऊ में मैं जाके अपना किसी भी बेल्ट पे जिस पर भी मेरा आएगा सामान उस पर मैं अपना सामान ले सकता हूँ, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइस, काफ़ी बेहतरीन लुक लग रहा है, और जो आप सामने देख रहे हो वो शौचालय है, और यहाँ पे हम चलते हैं और आगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी चेकअप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं। तो गाइस, अब ये हमारा दोनों काम पूरा हो चुका है, जो कि हमें पहले अपना आईडी और अपना टिकट शो करना था, उसके बाद दूसरा काम जो हमारा था वो बोर्डिंग पास बनवाना था। बोर्डिंग पास भी हमारा बन गया और जो हमारा लगेज हमारे साथ था वो भी हमने सबमिट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, मैं आगे जा रहा हूँ, और यहाँ पे एक मशीन रहेगी जो कि आपके बोर्डिंग पास पे एक QR कोड रहेगा, उसे आपको यहाँ पे स्कैन करना होगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे हम नीचे अब आ चुके हैं, अपने फ्लाइट के पास हम जा रहे हैं। यहाँ पे मैंने जो सिक्योरिटी चेकअप हो रहा था उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि वहाँ पे एक पुलिस वाले ने रोक दिया था कि आप यहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए, और मैं वहाँ पे वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि मतलब वहाँ पे क्या होता है। आपके पास जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेंगे, जैसे फ़ोन हो गया, चार्जर वगैरह हो गए, घड़ी हो गया, और आपने जो बेल्ट पहन रखा है, वो सब वहाँ पे निकाल के आपको एक टोकरी में रखना होगा। आपका बैग एक टोकरी
में रहेगा, ठीक है, वो स्कैन करके आगे जाएगा, उसके बाद आप जाएंगे, उसके बाद आपका भी वहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप, उसके बाद आप आगे जा सकते हो और अपना सामान ले सकते हो, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ईजी प्रोसेस था और आप अपना सारा सामान वहाँ पे वापस से ले सकते हो। सिक्योरिटी चेकअप होने के बाद आप नीचे आ जाओगे जहाँ से आपको अपनी फ्लाइट मिलने वाली है, ठीक है। तो गाइस हमारा यहाँ पे तीनों स्टेप कंप्लीट हो चुका है, पहले जो हमारा सिक्योरिटी चेकअप था, उसके बाद हमारा बोर्डिंग पास का था, उसके बाद जो मेन सिक्योरिटी चेकअप था जहाँ पे हमें सारा सामान अपना निकाल के वहाँ पे चेकअप करवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपके बोर्डिंग पास पे गेट नंबर मेंशन रहता है। तो गाइस मेरे गेट पास पे 53 नंबर गेट है, तो हम 53 नंबर गेट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चल रहे हैं अपने फ्लाइट की तरफ जो कि 53 नंबर गेट की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलते जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हर तरफ आपको इस तरह से बोर्ड नज़र आएंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डोमेस्टिक डिपार्चर, ठीक है। तो इसमें आपका फ्लाइट कितने बजे का है वो आपको नज़र आएगा और कितने गेट पर लगने वाला है। तो 53 नंबर की तरफ हम चल रहे हैं और फिर मैं आपको आगे का वीडियो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे आ चुके हैं और आप देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे एस्केलेटर लगा हुआ है और हम यहाँ से चलेंगे, ठीक है, अपनी फ्लाइट की ओर। गेट नंबर 53 के पास दोस्तों आप पहुंचोगे तो वहां पे आपको वेटिंग एरिया भी मिलेगा जहां पे मतलब वेट कर सकते हो अगर आपकी फ़्लाइट डिले है या फिर मतलब ज़्यादा टाइम के बाद है, आप पहले पहुंच गए हो, ठीक है। तो यहां पे वेटिंग एरिया भी है और यहां पे दोस्तों हमारी फ़्लाइट, हम टाइमिंग से पहुँचे थे और यहां पे फ़्लाइट भी डिले नहीं थी और यहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लाइन में खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो सीट नंबर था वो 18 था, यानी 18 था, ठीक है। तो बोल रहा है कि मतलब 11 से लेके 28, यानी कि मतलब 11 से लेके 28 तक का बोर्डिंग करने के लिए प्लीज़ अंदर आ जाएं, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हम लाइन में यहाँ पे लगे हुए हैं और अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी एंट्री हो चुकी है। यहाँ पे दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको लुकआउट नज़र आएगा, एक गैलरी रहेगी जो कि फ्लाइट से डायरेक्ट अटैच रहेगी, आप एंट्री करेंगे और डायरेक्ट फ्लाइट में यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो हम चल रहे हैं आगे और हम अब चलते हैं फ्लाइट में। ओके गाइस यहाँ पे हम फ्लाइट के अंदर चुके हैं, तो आप देख पा रहे हो कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और हमारा जो सीट नंबर है वो 18 है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और यहाँ पे सभी लोग की एंट्री एक साथ हो गई यहाँ पे, इसलिए फ्लाइट खाली नहीं है और सब लोग मतलब आ चुके हैं अंदर और अपनी सीट ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम भी अपने सीट पे बैठने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अंदर का लुक दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको मिलेगा सामान रखने के लिए आपका और आपको सीट नंबर इस तरह से आपको नीचे नज़र आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग ने अपना सामान रख दिया और हम भी अपना सामान यहाँ पे रख दिए हैं और हमारा सीट ये है। और गाइस आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको लाइट ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। गाइस अब यहाँ पे मैं आपको विंडो साइड से दिखाता हूँ बाहर का व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमारी फ्लाइट उड़ नहीं रही है, मतलब अभी फ्लाइट जाने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं आपको बाहर का यहाँ पे वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप इस तरह से खिड़की को नीचे ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे करेंगे नीचे, उसके बाद फिर हम करते हैं इसे ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे आपके सीट के सामने जो यहाँ पे व्हाइट कलर का टेबल टाइप का यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इसका लॉक इस तरह से आप यहाँ पे ओपन करोगे, इस पर आप अपना लैपटॉप वगैरह रख के यूज़ कर सकते हो और आप अगर कुछ खाना चाहते हो तो इसके ऊपर रख के ईजिली खा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पॉकेट में यहाँ पे 2-3 कार्ड आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये कार्ड जो रहेंगे एक सेफ्टी कार्ड रहता है, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड उसमें सारे कुछ मेंशन किए रहते हैं और अगर आपको कुछ खाना ऑर्डर करना तब भी आप वहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज अब हमारी फ्लाइट जो है वो आसमान में उड़ रही है, जो कि आपको मैं यहाँ पे बाहर का व्यू दिखाता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का यहाँ पे लुक नज़र आ रहा है, काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है और यहाँ पे इस तरह से आपको बाहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। हमारी फ्लाइट अब यहाँ पे ज़्यादा ऊपर आ चुकी है, ठीक है। गाइस यहाँ पे जो हमारी यात्रा है वो कंप्लीट होने वाली है और हमारा जो फ्लाइट है वो भी लैंड होने वाला है, रनवे पे उतर रहा है, ठीक है। तो मैं अब आपको लखनऊ उतरने के बाद अंदर का व्यू दिखाता हूँ एयरपोर्ट के अंदर का, ठीक है। सो गाइस हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे अभी हम रनवे पे हैं और मैं बस के अंदर बैठा हूँ और मैं आपको बाहर का यहाँ पे लुक दिखा रहा हूँ कुछ इस तरह का है। और यहाँ पे हमारी जो फ्लाइट वो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। फ्लाइट के साथ एक सीढ़ी अटैच रहेगी जिससे हम उतर के नीचे आएंगे, उसके बाद सामने एक बस लगी रहेगी, हम बस के अंदर बैठ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बस हमें लेके जाके एयरपोर्ट के अंदर छोड़ेगी जहाँ से हम अपना सामान ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूँ कि हमारा सामान हमें कैसे मिलेगा। तो गाइज जब भी हमारी फ्लाइट लैंड हो जाएगी वहाँ पे हमें अनाउंस करके बता दिया जाएगा कि आपका जो लगेज है, जो आपका सामान है, वो कितने नंबर बेल्ट पे आता है। यहाँ पे दोस्तों जो हमारा सामान आता है उसे हम बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो बेल्ट नंबर हमारा 2 पे सामान आ रहा है। अब मैं आपको अंदर का दिखाता हूँ, तो चलिए हम चलते हैं फटाफट एयरपोर्ट के अंदर।
सो गाइज अब हम आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और बेल्ट नंबर 2 के पास, जो कि आपको फ्लाइट में पहले ही बता दिया जाता है कि आपका जो सामान है वो बेल्ट नंबर कितने पे आने वाला है। तो हमारा जो है बेल्ट नंबर 2 पे आएगा और हम आ चुके हैं अपना सामान रिसीव करने। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह का बेल्ट रहेगा जिसपे आपका सामान आता रहेगा और जिसका जो सामान रहेगा वो अपना सामान यहाँ से उठा सकता है। ठीक है, तो गाइस फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और एयरपोर्ट के बाहर भी हम आ चुके हैं। आप बाहर का व्यू देख सकते हो कुछ इस तरह का है और काफ़ी आसानी से हमने मतलब अपनी ट्रैवलिंग पूरी की और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ है, आप भी काफ़ी आसानी से फ़्लाइट में ट्रैवल कर सकते हो अगर आपका पहली बार आप फ़्लाइट में ट्रैवल करने वाले हो। आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है।